अगर आप आर्किटेक्ट बनकर बिल्डिंग्स को डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स करना होगा, ताकि आप आर्किटेक्ट के तौर पर हर तरह की बिल्डिंग्स को डिजाइन कर सके, क्योंकि आर्किटेक्ट ही ऐसे लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो बिल्डिंग डिजाइन के आर्ट और साइंस में ट्रेंड होते हैं। ये आर्किटेक्ट ही स्ट्रक्चर्स के लिए कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं और उन कॉन्सेप्ट को इमेजेस और प्लान्स में बदलते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज क्विक सपोर्ट का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आज हम आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 5 साल होती है। ये कोर्स ऐसे लाइसेंस्ड और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस करने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं। आर्किटेक्चरल स्टडी में बिल्डिंग के मॉडल डिजाइन करने, कंस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट तैयार करने, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती है। इस कोर्स में ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग और एस्थेटिक्स जैसी कई स्ट्रीम्स शामिल होती है और इस कोर्स में थ्योरी सब्जेक्ट्स, स्टूडियो, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रिसर्च ट्रेनिंग भी शामिल है। इस कोर्स के बारे में इतनी जानकारी मिलने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी, इसलिए अब आपको ये बताते हैं कि आप ये कोर्स कैसे कर सकते हैं, यानी इसका क्राइटेरिया क्या है। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए आपका 12th क्लास कम से कम 50% मार्क्स से कंप्लीट करना जरूरी है। साथ ही इस क्लास में आपके सब्जेक्ट्स PCM होने चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम से 10+2 डिप्लोमा किया हो, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो और इस डिप्लोमा में जिनके 50% हो, ऐसे स्टूडेंट्स भी ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्कूल के 10 साल की पढ़ाई के बाद इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा 50% अग्रीमेंट मार्क्स से कंप्लीट कर रखा हो और उसमें मैथमेटिक्स आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। क्राइटेरिया जान लेने के बाद अब बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस की। अगर आप इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में से एक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको द नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर यानी कि NATA नाटा देना होगा। ये एग्जाम इंडिया के बहुत से सेंट्रल, नेशनल और स्टेट लेवल आर्किटेक्चरल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंडक्ट करती है। इसके अलावा द आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि AAT भी मोस्ट पॉपुलर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IITs के आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स के अलावा स्टूडेंट JEE मेंस के स्कोर के बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स में एडमिशन के लिए TS बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एग्जाम, TNEA बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एग्जाम जैसे एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। एक आर्किटेक्ट के पास डिग्री के साथ स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फील्ड क्रिएटिविटी का फील्ड है। इसीलिए आर्किटेक्ट बनने के लिए आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास एडवांस्ड मैथ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए और ज्योमेट्री और फिजिक्स पर भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए और आपकी डिजाइन स्किल्स भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको आर्किटेक्चरल रेंडरिंग, ऑटो CAD या ऑटो कैड, कंप्यूटर एडिट डिजाइन यानी कि CAD, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, मॉडल मेकिंग और रेविट जैसे आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। बिल्डिंग लॉज और कोड्स की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। बिजनेस से जुड़े नॉलेज जैसे डेटा एनालिसिस, बिजनेस प्लान्स, शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मार्केट रिसर्च पर आपकी कमांड होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आइए आर्किटेक्ट बनने के लिए जरूरी स्किल्स जान लेने के बाद अब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स करवाने वाले इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जानते हैं। IIT रुड़की, रुड़की स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा रांची, मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर मैसूर, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद, BMS कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बेंगलोर, SPA दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी CU चंडीगढ़, CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। आइए अब जानते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री होल्डर को मिलने वाले करियर ऑप्शंस के बारे में। एक आर्किटेक्ट के पास प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवेज,
हाउसिंग बोर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर फील्ड में आप इन सारी पोजीशंस पर भी काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, इस पोजीशन पर आप 5 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं। इसी तरह आर्किटेक्चर डिजाइनर के तौर पर 6 लाख पर एनम, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट की पोजीशन पर लगभग 8.5 लाख पर एनम और इंटीरियर डिजाइनर के रूप में 4 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज पा सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ग्रेजुएट को रिक्रूट करने वाली टॉप कंपनीज के नाम भी आपको जान लेने चाहिए। ARCOP, DLF, आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर, गॉर्सन्स इंडिया, CP कुकरेजा एसोसिएट्स, दर अल हंसा, ऑस्कर एंड पॉनी आर्किटेक्ट, RSP आर्किटेक्ट्स लिमिटेड, कैम्बोवी आर्किटेक्चर फाउंडेशन, शिल्पा आर्किटेक्ट्स, राज रेवाल एसोसिएट्स, क्रिस्टोफर चार्ल्स बेनिगर आर्किटेक्ट्स। अगर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री लेने के बाद आप हायर स्टडीज करना चाहे तो आपके लिए कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA में भी आप इनमें से बेस्ट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। MBA डिजाइन मैनेजमेंट, MBA इंटीरियर डिजाइन, MBA रियल एस्टेट, MBA इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, MBA इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, MBA इन अर्बन मैनेजमेंट, MBA इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट और MBA इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। आगे क्या आपका सवाल है वो भी हमें बता दीजिए और साथ ही ऐसी इनोवेटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।